भगवान शिव। जो पार्थिव लिंग बनाए थे उसी में प्रकट हो गए, स्थित हो गए। और वही ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोल महाकाल भगवान की जय हो। श्रुति जी ने कहा हे ऋषियों, उज्जैनी नगरी के राजा हुए चंद्रशेखर, महाराज चंद्रशेखर भगवान शिव का अनन्य अनन्य। जब तक भगवान शिव का सेवा पूजा नहीं कर लेते, तब तक वो अन्न जल भी कुछ नहीं। उनके पास एक मणि, उन्होंने अपने गले में उस मणि को धारण कर लिया। उस मणि की इतनी चमक थी कि उस मणि के चमक से उस मणि के चमक को देख करके अन्य जो राजा था वो राजा चंद्रसेन से द्वेष करते थे। एक और जब वो घर से निकले राज्य महल से, तो अन्य राज्य के जो राजा थे अपने चतुरंगी सेना के साथ उनको घेर लिया। और वो वहां से भाग करके महाकाल के शरण मंदिर में चल चल चल। वहां जाकर के महाकाल का पूजन कर ऐश्वर्यमय षोडशोपचार पूजन कर उसी नगर एक विधवा रह रही थी। एक ही उसका पुत्र था, छोटा सा बालक, उसका नाम था गोपी। एक रोज वो मंदिर में मां के साथ दर्शन करने के लिए गया।
उस समय राजा चंद्रसेन भगवान शिव की पूजा कर रहा था। वो बालक वहां बैठ गया। अब बड़े भाव से जो राजा पूजा कर रहे थे, बड़े भाव से मनोयोग पूर्वक उस पूजा को देखता। पूजा समाप्त हुई, उसकी मां लेकर घर आने घर आई। माँ तो काम में लग गई, लेकिन उसकी बुद्धि में राजा के जो पूजा को देखा था वो पूजा बैठा हुआ था। उसने कहीं से पत्थर ले आया होगा, घर के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे उस पत्थर को रख दिया और धूल ढार करके थोड़ा फूल ले आया, बिलपत्र ले आया और उसकी पूजा करने लगा। अब पूजा के बाद ध्यान कर उसकी माँ ने, गोपी की माँ ने कई बार आवाज दी कि बेटा आओ, बेटा आओ, ये काम कर दो, लेकिन गोपी सुने ही नहीं, वो तो ध्यान में लगा हुआ भगवान से। भोजन का समय हुआ, माँ ने कहा बेटा आकर के भोजन कर लो, तब से तुम्हें तुमसे को बुला रही हूँ बहुत देर से, तुम आ नहीं रहे हो, क्या बात है। लेकिन गोपी तो ध्यान में मग्न है पूजा। उसकी मां निकली, जब उसकी मां निकली तो देखा क्या, गोपी ध्यान एक पत्थर रखा हुआ है, उसके ऊपर एक फूल चढ़े है, बेलपत्री चढ़े है और गोपी ध्यान मग्न है। बेटी को इस प्रकार से देख करके गोपी को मां को बड़ा क्रोध आया और उसने पत्थर उठाई, जिसका गोपी पूजा कर रहा था उस पत्थर को उठाई और लेकर के फेंक दिया। थोड़ी देर बाद गोपी का जब नेत्र खुला तो देखा यह पत्थर। अब ये सोच करके गोपी कि मेरे भोलेनाथ कहां गए, और यही सोच करके गोपी मूर्छित होकर के गिर गई। जब गोपी मूर्छित होकर के गिर पड़ा, थोड़ी देर बाद उसकी मां आई। मां ने भी पुत्र को मूर्छित हुए गिरे पड़े देख करके वो भी मूर्छित होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद गोपी को होश आया, मूर्छा से जब हटा और होश आया तो उसने क्या देखा, वही मन मन जिस मन मन
राजा पूजा कर रहे थे वही मंदिर, वही शिवलिंग, सब कुछ वही। और उस मंदिर के अंदर गोपी बैठा हुआ, गोपी उठा, भगवान से प्रणाम किया, घर गया। तो क्या देखा, कि वैसे ही जैसे राजा के महल है, जो छोटी सी झोपड़ी थी वही राजा का महल, वही साजबाज, वही नौकर चाकर, और वैसे ही उसकी मां बेस कीमती वस्त्र धारण करके, नाना प्रकार के आभूषण धारण करके सो रही है। गोपी ने जाकर के मां को जगाया, ये बात राजा को पता लगा। राजा गोपी के घर आकर के गोपी को अपने गोदी में बैठा करके राजा ने प्यार किया, और राजा ने कहा जिस राज्य में ऐसे भक्त हैं, उस राज्य में किसी प्रकार के आपत्ति विपत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। भगवान शिव इतनी करुणा वाले हैं, इतनी करुणा वाले हैं, कि एक साधारण सा पत्थर को पूजने वाले गोपी को भी संसार के समस्त ऐश्वर्य भगवान ने प्रदान किए। और अपने चरणों की निज सेवा में भगवान शिव ने लगा दिया। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, मैंने आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के वरदान दिए, अब मैं आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का वरदान कर रहा हूं। एक रोज नारद जी महाराज गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शिव की पूजा फिर वो विंध्य पर्वत पर गए। विंध्य पर्वत में उनका आदर सत्कार किया।
भोजन अर्चन वंदन किए। नारद जी ने कहा बिंदु तुम बहुत बलशाली हो और तुम में बहुत से पर्वत व्याप्त हैं। तुम्हारे आश्रय में बहुत से पर्वत पल रहे हैं। लेकिन सुमेरु पर्वत का अस्तित्व ही अलग है। अलग ही पहचान है। तुम में सब गुण है लेकिन सुमेरु के बराबर तुम नहीं कर सकते, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। नारद जी के वचनों को सुन करके विंध्य पर्वत बहुत दुखी। वह सोचने लगा कि मेरा जीवन तो व्यर्थ, अब मैं क्या करूंगा। तो वो भगवान शिव के शरण में गया। अविंध्य ने भगवान शिव की अतिशय कठोर तप किया। विंध्य पर्वत के तपस्या से भगवान सुप्रसन्न हो गए। भगवान सदाशिव ने कहा विंध्य वरदान मांगो। हमसे वरदान मांगो। विंध्य ने कहा प्रभु हमारे मन में श्रेष्ठ विचार प्रदान कर और एक ही आपसे प्रार्थना है कि आप यहीं पर निवास करें। तो वही पर भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान स्थापित। भगवान शिव वहां दो ज्योतिर्लिंग में हो गए, एक ओंकारेश्वर और दूसरा परमेश्वर। नर्मदा के उस पार ओंकारेश्वर और जो विंध्य ने स्थापित करके पूजा किया था उसका नाम पड़ गया परमेश्वर। दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग है लेकिन जिसको विंध्य ने स्थापित करके पूजा किया था वो परमेश्वर के रूप ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और दूसरे रूप में ओंकारेश्वर भगवान महादेव के रूप में
ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। बोलो ओंकारेश्वर महादेव की जय। सुत जी ने मुनियों से कहा, मैं आपको ओंकारेश्वर और परमेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में वर्णन किया। अब मैं आपको केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के वर्णन कर रहा हूं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। Come on.
सूत जी ने कहा, ऋषियों मैंने आपको ओंकारेश्वर की महात्म श्रवण कराए, अब मैं आपको केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म श्रवण कराए। बद्रीनाथ भगवान नर और नारायण तप करते हैं। एक बात आप ध्यान दें, भगवान नर और नारायण तपस्या करके मनुष्य को ये उपदेश देना चाहते हैं कि हर जीव को, हर मानव को तप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। केवल खाए, धन कमाए, मेहनत किया, खाए, विषयों को भोगे और जीवन व्यतीत किया, तो मेहनत तो बेचारा पशु भी करता है, वो भी खाता है, वो भी विषय को भोग करता है, वो भी सोता है। तो हम में और पशु में अंतर क्या हुआ? केवल ये कि पशु को चार पैर है और हमें दो पैर, जिसका विचार पशुपत हो गया है, जिसका सोच पशुपत हो गया है, जिसकी बुद्धि पशुपत हो गई है, वो मनुष्य होते हुए भी, मानव होते हुए भी पशुपत। केवल मनुष्य योनि में जन्म ले लेने से मनुष्य नहीं होता, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं फल लागी अति दूर। आज एक माता मेरे पास गई है और शायद इस कथा में भी समय विद्यमान है। उसने मेरे से प्रश्न किया कि महाराज हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो,
शांति मिले। भगवान के चरणों में मेरा प्रीत हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। जा गौर से श्रवण करना है। ऐसा कोई उपाय आप बताओ। एक बात आप समझ लें, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलो वही मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दो, जहां नाथ रख दो वही ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आप ध्यान से श्रवण करें, पहली बात एक आप सोचें, जब आप पैदा हुए थे घर लेकर के पैदा हुए थे क्या? जब आप पैदा हुए थे माता पिता को लेकर के पैदा हुए थे क्या? जब आप पैदा हुए थे पति को साथ लेकर के पैदा हुए थे क्या? जब आप पैदा हुए थे पुत्र को बच्चों को साथ लेकर के पैदा हुए थे क्या? जब आप पैदा हुए थे कुटुंब परिजनों को लेकर के पैदा हुए थे क्या? जब आप पैदा हुए थे धन को लेकर के पैदा हुए थे क्या? जब आप लेकर के पैदा नहीं हुए तो आपका हुआ क्या? बीज मिले हैं, बीज छूट जाए, जो कुछ रास्ते में मिला है आपको रास्ते में ही छूट जाए। ये तो उसी प्रकार से मेरे भाई, जैसे हम ट्रेन में सफर करते हैं, बैठे सामने सीट पे दूसरा भी बैठा है, हम भी बैठे, थोड़ी देर बाद वार्तालाप हुई, कहां जा रहे हैं आप? दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा,
कहां से आया? नासिक से। अच्छा, नासिक में रहते? नहीं नहीं, मैं नासिक में नहीं रहता, मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा घर दिल्ली है। अच्छा, दिल्ली में कहां रहते हैं? मैं जो भी जहां भी करोलबाग कहो, राजेंद्र नगर कहो, फलानी जगह। अच्छा अच्छा, भाई साहब आप कहां रहते हैं? मैं आगरा में। अच्छा, अरे दिल्ली से आगरा कितना दूर है? हम और आप एक पड़ोस पड़ोस में रहने वाले हैं भाई साहब। कभी आगरा आना हो तो हमारे घर आइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आए। तब तक मैं केला वाला बेचने आ गया और उस व्यक्ति ने केला खरीद लिया। अरे भाई साहब लीजिए केला, लीजिए। नहीं नहीं इच्छा नहीं। अरे अब क्या है? आप हमारे पड़ोस में रहने वाले, आप आगरा और दिल्ली कितना दूर है? लीजिए ना केला। सारे रास्ते वार्तालाप करते आए, जैसे ही आगरा आया, भाई साहब मेरा स्टेशन आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी आगरा आना हो तो जरूर आइए। और वो व्यक्ति आगरा में उतर गए। कितने प्यार से बात वार्तालाप हुई। हमने उसको विजिटिंग कार्ड भी दिया, उसने केला खरीदे, हमें उसने केला भी दी। आने का घर निमंत्रण भी दिया। लेकिन स्टेशन आते ही भाई साहब मेरा स्टेशन आ गया। क्या वो आगरा वाला दिल्ली तक आपके साथ आया? रास्ते में ही छोड़ दिया। इसी प्रकार से सभी रास्ते भी छूट जाएंगे। जहां आप कथा श्रवण कर रहे हैं, जहां लक्ष्मी नारायण जी विराजमान हैं, आज से 100 साल पहले ये मंदिर था। लक्ष्मी नारायण जी 100 साल पहले थे। लेकिन ये जमीन, ये भूमि 100 साल पहले भी था, अब भी है और 100 साल बाद भी है। ये भूमि हमेशा पहले भी था, अब भी है और बाद भी है। इसी प्रकार से आगम पायलो नित्यम, रोज आना रोज जाना तो लगा हुआ है। यक्ष ने महाभारत में कथा दी है कि यक्ष ने जब ये वनवास में पांच पांडव द्रौपदी के साथ जा रहे हैं, रास्ते में प्यास लगी द्रौपदी को, द्रौपदी ने इच्छा जाहिर की, मुझे प्यास लगी है,
द्रौपदी के प्यास बुझाने के लिए जल लेने के लिए नकुल गया। यक्ष ने प्रश्न किया, उसने कहा जल तब ग्रहण करना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। लेकिन उनको प्यास लगेगी, सबसे पहले उन्होंने जल पीने के लिए तत्पर हुए, वहीं मृत्यु। सहदेव ने उनसे भी प्रश्न किया, वो भी प्रश्न को उत्तर दिए बगैर जल पीने लगे, वो भी उनकी भी मृत्यु हो गई। भीमसेन ने कहा मैं गदाधारी हूं, बलवान देखू तो सही, ये दो भाई मेरे कहां गए? सरोवर के पास पहुंचे, प्यास लगी थी, जल पीने लगे। यक्ष ने प्रश्न किया, बगैर उत्तर दिए हुए जल पीने लगे, उनकी भी मृत्यु। महाधनुर्धर द्रोण शिष्य अर्जुन भी गया, उनसे भी यक्ष ने प्रश्न किया, बगैर उत्तर दिए हुए, और वो भी जल पीने लगे, उनकी भी मृत्यु हुई। तब धर्मराज युधिष्ठिर गए, जैसे ही सरोवर के जल में हाथ डालने लगे, सावधान धर्मराज, तुम्हारे भाइयों ने बगैर मेरे प्रश्न के उत्तर दिए हुए जल पीने की हिमाकत की है, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। अगर तुम भी बगैर मेरे प्रश्न के उत्तर दिए हुए जल पीने की हिमाकत करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हाथ से जल जल छूट गया। क्या प्रश्न है? सबसे पहला प्रश्न, सत्य क्या है? सत्य क्या? कौन था? ये दूसरा प्रश्न। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा पहले प्रश्न का उत्तर आपका तो ये है कि संसार में मनुष्य अपने इन चक्षुओं से देख रहा है, कि जो आया है जा रहा है, संसार के लोग जा रहे हैं, लेकिन इन चक्षुओं से देखने के बाद भी उस सत्य को ग्रहण कोई नहीं करता। अगर किसी से कह देता हूं तो कि भाई अब तो समय बहुत थोड़ा सा रह गया है, तो लोग कहते हैं अरे स्वामी जी क्या बात कर रहे हैं आप, सुबह सुबह बोलिए।
मरने जीने की बात मत कीजिए। अभी आपका कोई उम्र है? पहली तो बात भाई, ये काल किसी का उम्र नहीं देखता। हम देखते हुए भी हमारे आंखों के सामने मेरे पिता चले गए, मेरे आंखों के सामने मेरी माँ चली गई, मेरे आंखों के सामने मेरे भाई चले गए, मेरे बाबा चले गए, नातेदार रिश्तेदार चले गए, लेकिन फिर भी हम चिचली गए। ये जो कुछ वैभव मिला है, ये वैभव तुम्हारा नहीं है। ये सब वैभव परमात्मा ने तुम्हें केवल इसलिए दिया है कि सर्प के तरफ कुंडली मार करके मत बैठो, इसका सदुपयोग करना, इसको सत्कर्म में लगाना। इसको सत्कर्म में माता जी ने जो प्रश्न पूछी थी उसका उत्तर यही है, जो कुछ है सब उसका है। उस घर को ठाकुर जी का मंदिर समझो, झाड़ू लगाओ बड़े प्रेम से, ये ठाकुर जी का मंदिर है। गुरु महाराज एक उदाहरण दिया करते हैं, कोई उस मार्बल को ढो करके सिर्फ वहां पहुंचा रहा है, कोई घिस घिस करके उसको चमका रहा है, एक संत उधर से जा रहे थे, संत ने मंदिर को बनते हुए देखा तो मन में जिज्ञासा कि देखो तो सही, ये मंदिर कैसा बना। मेरे भाई भाई गौर से सुनो, ये चारों क्या कर रहे हैं? मजदूरी के लिए कोई पत्थर को गढ़ रहा है, कोई पत्थर को उठा करके ला रहा है, कोई उस पत्थर को लगा रहा है और कोई उस पत्थर को घिस रहा है। चारों मजदूरी कर रहे हैं। संत ने जो पत्थर को गढ़ रहा था काट काट करके उसके पास गए, उससे पूछा, भैया तू क्या कर रहा है? नहीं बोला। अरे भाई तुमसे पूछ रहा हूं तू क्या कर रहा है? नहीं भाई भाई फिर पूछा, अरे भैया तू क्या कर रहा है? ए बाबा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूं, अपने कर्म को फूट रहा हूं कर्म। संत वहां से आगे बढ़े, जो उठा करके ले जा रहा था
उससे पूछा, कि भाई तू क्या कर रहा है। उसने कहा क्या कर रहा, ये पेट के खातिर मजदूरी कर रहा हूं। और क्या क्या कर रहा, वहां से आगे बढ़े तीसरे के पास गए। तीसरे से पूछा भैया तू क्या कर रहा है, जो पत्थर लगा रहा था। बाबा देख नहीं रहे क्या कर रहा हूं, पत्थर लगा रहा हूं, अपने परिवार को पालने के लिए मजदूरी कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। चौथे के पास गए जो बड़े प्यार से घिस उस पत्थर घिस घिस करके पत्थर से घिस रहा था, और फिर अपने हाथों से यूं करके उसको देख रहा था कि प्लेन हुआ कि चिकना हुआ। और फिर जब उसको थोड़ा खुरदुरा लगता था तो फिर घिसना शुरू कर रहा था, बड़े मस्ती में उसको घिस रहा था। उससे पूछा भैया तू क्या कर रहा है। महाराज जी मैं इस पत्थर को घिस रहा हूं। क्यों घिस रहा बेटा? इसलिए घिस रहा हूं महाराज जी, मैं घिस घिस करके इसको चिकना बना रहा हूं, क्योंकि मेरे ठाकुर जी ना इस सिद्धि से उतर करके बाहर जाएंगे। बाहर से मेरे ठाकुर जी फिर इस सिद्धि से उतर करके अपने सिंहासन पर जाएंगे। तो अगर खुरदुरा रहेगा ना तो मेरे ठाकुर जी का चरण बड़ा कोमल है, उनके चरणों में कोई चीज चुभ ना जाए, इसलिए इसको घिस घिस करके प्लेन करा चिकना। मजदूरी चारों कर रहा लेकिन चारों के भाव ये घर है, ये घर रमण बिहारी का है, ये मंदिर रमण बिहारी का है, इसमें झाड़ू लगा रहा हूँ, पोछा लगा रहा हूँ। तो मैं तो रमन बिहारी के मंदिर में पोछा लगा रहा हूँ, रमन बिहारी के मंदिर में झाड़ू लगा रहा हूँ, भोजन बना रहे हैं तो मैं अपने ठाकुर जी के लिए भोजन बना रहा हूँ। उसमें रहने वाले हर हर प्राणी हर मनुष्य को ये देखो कि सब ठाकुर जी का काम है। ठाकुर जी ने कितनी कृपा मेरे ऊपर की, कितना अनुग्रह किया।